रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जबरदस्ती लोगों के ऑपरेशन कर फैमिली प्लानिंग करवाई और अब ये कह रहे हैं कि दो बीवियां रख लो। अनिल विज ने कांग्रेस नेता कांति लाल भूरिया के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद जैसा कि हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है हर महिला के खाते में 1,00,000 रुपए जमा किए जाएंगे और जिनकी दो पत्नियां हैं उन्हें 2,00,000 रुपए मिलेंगे। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की एक सोच नहीं है, इनकी रोज सोच बदलती रहती है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं, कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जबरदस्ती लोगों के ऑपरेशन कर करके फैमिली प्लानिंग करवाई और अब ये साहब कह रहे हैं कि दो बीवियां रख लो। तो कांग्रेस की कोई एक सोच नहीं है, इनकी रोज सोच बदलती है। बलिसन का ये कहना है भारत को पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। तो मैं पाकिस्तान के एटम बम पर ज्यादा भरोसा है और जो हमारे पास एटम बम है उसका तुम्हें विश्वास नहीं है, उस पर करो ना विश्वास कि हमारे पास भी एटम बम है। हमेशा पाकिस्तान के ही गीत गाते रहते हो, पाकिस्तान के ही गुणगान करते हो, कभी अपने देश का भी गुणगान करके देखो। ये बहुत उम्दा देश है, बहुत बढ़िया देश है, बहुत कामयाब देश है। ये जिनको मिला 5 किलो राशन 80 करोड़ परिवारों को, उन परिवारों से जाके पूछो तुम्हारा तो 50 साल राज रहा, तुम कर देते ना इस काबिल कि लोगों को मुफ्त का अनाज ना लेना पड़ता, तुमने नहीं किया, मोदी सरकार ने किया। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, औरों को उठाने का काम कर रहे हैं, अनेकों नीतियां बनाई हैं, अनेकों काम किए हैं जिसकी वजह से आज लोगों को मोदी सरकार पर विश्वास हुआ है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।